सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। हाँ, हमको पता है कि हम लेट चल रहे हैं एक दिन, क्योंकि आज का वीडियो कल अपलोड होगा 16 अगस्त को, और 15 अगस्त आज है ना। लेकिन कोई नहीं, आज भी हम स्टेटस लगा दिए हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद करके लिख दिए हैं, समझे। और बस हम ही स्टेटस नहीं लगाए, हमको लग रहा है कि सभी भारतीय, सभी हिंदुस्तानी लोग आज स्टेटस लगाए हैं। भारत माता की जय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का स्टेटस सभी लोग लगाए हैं, समझे। देखिए, अभी तक झंडा तोलन हो रहा है, समझे, अभी तक झंडा फहराया जा रहा है। अभी तो बज रहा है, दोपहर का 1 बज रहा है, और अभी तक झंडा फहराया जा रहा है। अभी जस्ट हम एक झंडा फहरा के आए हैं, हम नहीं, मतलब उसमें हम भी शामिल थे, हम नहीं फहराए, सरपंच साहब फहराए हैं, तो उसमें हम भी शामिल थे। 12:30 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास में फहराया गया, समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज की भी दिन। देखिए क्या है कि लोग, कुछ लोग फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, वो सब दिन मनाने का चीज़ नहीं है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब दिन मनाने का चीज़ है, समझे कि नहीं। अब मदर्स डे मनाने का मतलब क्या हो गया कि आप उसी दिन अपने माँ को याद कर रहे हैं, फादर्स डे के दिन आप उसी दिन अपने बाप को याद कर रहे हैं, ये सब चीज़ सही नहीं है। ये सब हिंदुस्तान का कल्चर नहीं रहा है, समझे कि नहीं। और 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त हम लोग मना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 15 अगस्त के दिन ही हम लोग 15 अगस्त को याद कर रहे हैं। वो याद तो हम लोग हर दिन करते हैं, पर 15 अगस्त को इसलिए मना रहे हैं ना, 15 अगस्त के दिन, क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, समझे। और ऐसा नहीं है कि आज ही के दिन सभी भारतीय के अंदर, दिल में, शरीर में देशभक्ति का फीलिंग रहता है, वो तो हर दिन रहता है, समझे कि नहीं। पर आज के दिन देश आज़ाद हुआ था, इसीलिए हम लोग मनाते हैं। और देखिए, हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हम लोग एक आज़ाद भारत में हम लोगों का जन्म हुआ है, समझे। और हम लोगों को ये जो आज़ादी है ना, एकदम फ्री में मिला है, मुफ्त में। इसके लिए हम लोगों को कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है, जो भी स्ट्रगल किए हैं, जो भी बलिदान दिए हैं, हमारे पूर्वज लोग दिए हैं। और जो चीज़ फ्री में मिलता है ना, उसका कहीं से कोई इज्जत नहीं करता है, समझे कि नहीं। यही देन है कि सब इतना ना फ्रीडम मिला, इतना ना फ्रीडम मिला हुआ है सबको, कि जिसको जो मन आ रहा है वो बोल रहा है, जिसको जो मन करता है वो बोलता है, जो मन आता है वो करता है, समझे कि नहीं। चाहे वो हिंदुस्तान के हित में हो, चाहे हित में हो, समझ रहे हैं। तो हमारे गांव के सरकारी स्कूल में झंडा फहराया जाने वाला था, तो हम भी गए थे स्कूल में। तो हम गए तो एक लड़का से पूछे, रे ये बताओ 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? तो कह रहा है बुनिया खाने के लिए, बताइए। हम कहें कि अच्छा, और क्यों मनाया जाता है? कह रहा है हाँ, सेवैयों खाने के लिए, बुनिया सेवई दोनों खाने के लिए मनाया जाता है, बताइए। उसको यही पता है कि 15 अगस्त हम लोग बुनिया सेवई खाने के लिए मनाते हैं, बताइए। कौन सिखाया ये सब उसको? गुस्सा भी आया, ठीक है, पीछे से पीठी पे एक मुक्का मारे उसको, ठीक है। उसके बाद फिर उसको समझाया कि क्यों मनाया जाता है, समझे। लेकिन एक चीज़ है, स्कूल में हम आज के दिन जितना भीड़ देखते हैं ना, 15 अगस्त, 26 जनवरी, सरस्वती पूजा के दिन, इतना भीड़ हम कभी भी नहीं देखते हैं, समझे कि नहीं। स्कूल में क्या कारण है? भाषण सुनने सब आता है, नहीं, बुनिया खाने आता है सब, समझे कि नहीं। आज के दिन जो है ना, सब के सब बुनिया से वही खाने के लिए आता है, सही बात है। कल से कोई स्कूल में टपेगा नहीं, स्टूडेंट सब भी नहीं आता है, और उनके गार्जियन का तो बात ही हटा दीजिए, स्टूडेंट सब भी नहीं आता है। और आज के दिन कहाँ कहाँ से आ जाएगा, दूसरे दूसरे गाँव से, मतलब लड़का लोग, गार्जियन लोग जो है ना, बच्चे लोग का तो बात ही हटा दो, ये बड़े बड़े लोग भी जो है ना, घूमते रहेगा साइकिल से, मोटरसाइकिल से, जगह जगह, काहे, तो बुनिया खाने के लिए, समझ रहे हैं बात। बहुत आदत ख़राब है, देख रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है तो बहुत बजा रहा है।